अल्लाह के फैसलों में कोई ना कोई मसलियत होती है और हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है। ठीक कह रही हो तुम। ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे घर वालों का रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? तुम खुश तो हो ना फिर यार? भाजी, आप मुझसे बार बार ये सवाल क्यों पूछती हैं? यहाँ पे सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इब्राहिम अंकल बहुत अच्छे हैं, नौशीन भाभी बहुत अच्छी हैं। फरिया, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ? इतनी खुशी की खबर है ना, तुम सुनोगी तुम भी खुश हो जाओगी। शाहजैन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ कहती है? मतलब शाहजैन पहले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे क्या? नहीं नहीं, असल में वो उसने कुछ सोचने के लिए वक्त मांगा था। हम जरा परेशान हो गए थे, लेकिन उसे कोई एतराज नहीं है। भारा को फरियाद। कौन है? कौन? परियाल, मुझे कुछ बात करनी है। सुन रहा हूं। बोलो भी। आपने इब्राहिम अंकल की नाराजगी के डर की वजह से रिश्ते के लिए हाँ की है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास गायब कहाँ ले गया? नहीं, मगर हर शख्स को अपनी जिंदगी में पूरा इख्तियार है और आपको भी पूरा हक है। मैं रिश्तों में जोर जबरदस्ती करने की कायल नहीं हूं। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जो दिल से और मर्जी से बनाए जाएं, वरना वो कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। आप इब्राहिम अंकल को बता दें कि आपकी इस रिश्ते में मर्जी नहीं है। और अगर मैं ऐसा ना कहूं तो क्या चाहती हो तुम? कि मैं अपने घर वालों के सामने जलील होता रहूं, बुरा बना रहूं, ये चाहती हो तुम? ठीक है, तो मैं इब्राहिम अंकल को जाके बता देती हूँ। आपका नाम नहीं आएगा क्योंकि मैं ऐसा रिश्ता नहीं निभा सकती जिसमें ना इज्जत हो और ना रजा हो। सुनो, मैंने अपनी मर्जी से रिश्ते के लिए हाँ की है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी कोई एतराज ना हो। देखो, आई नो मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत तंग किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई स्वेयर जेन्युइनली I'm sorry. कुछ misunderstandings थी जो कि वक्त के साथ साथ क्लियर होती जा रही है, और जहां तक पसंद नापसंद की बात है तो जब रिश्ते जुड़ते हैं तो ये कमी भी पूरी हो जाती है। आगे तुम्हारी मर्जी।
तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वो ही मेरी चाह। मैं कह रही इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मैं कह रही इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई